आरती बहुत ही सुंदर होती है। सेतु पुल कितना खूबसूरत है। आई होप ये वीडियो आपको जरूर किया अध्यक्ष एवं हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ ऋषिकेश परमार्थ निकेतन आश्रम, जहाँ पे होने वाली है शाम की आरती। आज मॉर्निंग में ही हमारा प्लान बन गया था कि हम परमार्थ निकेतन आश्रम की आरती को जरूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ की आरती बहुत ही सुंदर होती है। तो अब पहुँच चुके हैं हम परमार्थ निकेतन आश्रम और यहाँ पे हमने अपने शूज वगैरह उतार लिए। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ शाम को होने वाली आरती पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ पर बच्चों को वैदिक और पारंपरिक शिक्षा देने के साथ साथ वेद का अध्ययन भी कराया जाता है। परमार्थ निकेतन आश्रम में बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं जिन्हें पौराणिक कथाओं के आधार पर बनाया गया है। यह आश्रम बहुत ही खूबसूरत है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक हेड हैं। यहाँ पर आकर एक अलग ही अनुभव होता है और यहाँ पे आके एक शांति का एहसास होता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। और यहाँ की आरती और भजन तो सुनकर मन प्रसन्न ही हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर से काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर शाम को इसी तरह भीड़ रहती है। तो अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था तो हमने सोचा कि अब घर जाया जाए। तो देखिए यहाँ पे रास्ते में अभी भी कितनी भीड़ है और ये आश्रम ये देखिए कितना सुंदर है। तो अब हमें थोड़ी भूख लगाई थी तो यहाँ से हमने ली पैटीज और फिर हम पैटीज खा के आ गए ये जानकी सेतु। देखिए ये जानकी सेतु पुल कितना खूबसूरत है और ये रात को और भी खूबसूरत हो जाता है। हम घर से ही कॉफ़ी बना के लाए थे तो यहाँ पे हम दोनों कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। रात को जानकी सेतु पुल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है और यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ भी भजन कीर्तन चल रहा है, बट घर तो जाना ही है तो हम जा रहे हैं अब घर। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।